तो गाइज आप लोग जिस भी फोटो को स्मूदिंग करने ले जाते होगा ऑटो स्केच बुक में, तो गाइज आप लोग को आधे से एक घंटा देना पड़ता होगा तभी आप, एंड आप लोग सही तरीके से स्मूदिंग भी नहीं कर पाते होगे, तो गाइज आप लोग साइड साइड ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा आप लोग के फेस पे, फुल एचडी हाई क्वालिटी स्मूदिंग नहीं सीख पाते होंगे कुछ इस टाइप से। तो गाइज मैंने कुछ इस टाइप से रीडिंग करी है, यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिनल फोटो कितनी बेकार लग रही है। तो गाइज आप लोग का भाई यहाँ पे लेके आया कुछ इस टाइप से नॉर्मल लाइट में कुछ इस टाइप से रीडिंग आप लोग को करके सिखाएगा, एंड जो मैंने यहाँ पे करी है आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइज कुछ इस टाइप से रीडिंग नॉर्मल लाइट में करके दिखाऊंगा, एंड आप लोग वीडियो पूरा वॉच करते हो तो गाइज कुछ इस टाइप की रीडिंग करते हुए कोई नहीं रोक सकता, एंड नेक्स्ट लेवल की रीडिंग सिखाने वाला हूं गाइज, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोग को जो एडिटिंग रहती है साइड साइड ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा आप लोग के फेस पे, इधर उधर चारों तरफ आप लोग का ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा। तो गाइज मेरे फेस पे देख सकते हो कोई भी ब्लैक नहीं है, कुछ इस टाइप से रीडिंग मैंने करी है, एंड फोटो काफी ऑसम तरीके से रीडिंग हुई है। तो गाइज आप लोग को इस टाइप की रीडिंग सिखाने वाला हूं, तो आप लोग को एक ही पार्ट में आप लोग को सब कुछ बताऊंगा, एंड यहाँ पे आप लोग को पूरा वीडियो वॉच करना होगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, एंड वीडियो में तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड फोटो अभी यहाँ पे आ चुकी है। तो गाइज अभी हम लोग इसको स्नैपशीट ऐप में फोटो को शेयर कर लेते हैं, तो गाइज आप लोग को भी शेयर कर लेना होगा इनसे, एंड टूल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना होगा जल्दी से, एंड आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे इस टाइप की रीडिंग करी जाती है। एंड यहाँ पे टूल वाले आइकन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, एंड आप लोग को आगे का स्टेप बताता हूँ। एंड डिटेल वाले ऑप्शन पे आएंगे, पहले डिटेल इसकी प्लस करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिटेल प्लस करेंगे इसका, यहाँ पे शार्पिंग यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन प्लस कर लेते हैं, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको कर लेते हैं राइटिंग। राइटिंग करने के बाद फोटो देख सकते हो डिटेल आ चुकी है, एंड टूल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। गाइज अभी आप लोग को सेलेक्टिव वाला ऑप्शन यूज करना होगा, जो आप लोग का फेस ब्लैक है वहाँ पे व्हाइट कर लेना होगा कुछ इस टाइप से। तो गाइज मैं यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ, एंड व्हाइट करने के बाद गाइज बिफोर आफ्टर देख सकते हो कुछ इस टाइप से लुक हो जाएगा, एंड टूल वाले आइकन पे क्लिक करना। गाइज फिर से बता दूँ पोर्ट्रेट वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, तो गाइज पोर्ट्रेट वाला एक ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना, एंड तीनों ऑप्शन को कुछ इस टाइप से कर लेना। तो गाइज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देख सकते हो मैंने यहाँ पे कर लिया, एंड इसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो कुछ इस टाइप से लुक शो होगा, एंड बिफोर आफ्टर देख सकते हो फोटो में काफी नेक्स्ट लेवल का एडिटिंग आ चुका है अभी, एंड अभी हम लोग की फोटो कुछ इस टाइप से हो चुकी है। तो गाइज अभी आप लोग को ध्यान से देखना होगा, मेन ट्रिक आने वाली है, एंड अभी आप लोग को फॉलो करना होगा स्टेप, एंड यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, अभी आप लोग को ऑटोडिक स्केचबुक में फोटो को शेयर कर लेना होगा, एंड स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो वॉच नहीं करते, बीच में स्किप करके देख लेते हो, आप लोग को आगे कुछ समझ में नहीं आता। तो गाइज मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग को पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, एंड आप लोग का जो साइड साइड ब्लैक ब्लैक आता है वो गारंटी दे रहा हूँ वो नहीं आएगा आपकी आज की वीडियो में, जो मैं बताऊंगा वो काफी नेक्स्ट लेवल टूल रहेगा। तो गाइज आप लोग को पूरा वॉच करना होगा वीडियो, एंड यहाँ पे आप लोग का जो साइड साइड ब्लैक ब्लैक आ जाता है आप लोग देख सकते हो आप लोग के भी फेस पे, बट आप लोग के साइड साइड ब्लैक नहीं आएगा आज की वीडियो में। तो गाइज आप लोग पूरा वीडियो वॉच करो, आप लोग लास्ट तक सब कुछ बता दूंगा कैसे इस टाइप की रीडिंग होती है, एंड आप लोग लास्ट तक तो जान ही जाओगे कैसे इस टाइप की रीडिंग मैंने करी है, एंड आप लोग पूरा वीडियो वॉच करो सब कुछ बताऊंगा मैं। तो गाइज यहाँ पे लेसगरी वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पे इरेज लिखा हुआ है, तो गाइज यहाँ पे सॉफ्ट इरेज वन है, इसका यहाँ पे स्मूदित कर लेना, उसके बाद फ्लो को आप लोग यहाँ पे 6 रखना, एंड स्ट्रेंथ को कुछ इस टाइप से कर लेना, मैं कर लेता हूँ। तो गाइज आप लोग को दोनों को कुछ इस टाइप से करने के बाद आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना होगा, क्योंकि बाद में आप लोग को जरूरत पड़ सकती है। 14 एंड 6 देख सकते हो कुछ इस टाइप से मैंने किया, एंड यहाँ पे इसके बाद बैक आया, बैक आने के बाद यहाँ पे स्मूदिंग मैंने स्टार्ट कर दी। तो गाइज मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया, सो स्मूदिंग कर लेता हूँ मैं, स्मूदिंग के आगे आप लोग को सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो में अभी बहुत सी इंटरेस्टिंग ट्रिक है तो उसको ध्यान से देखना, अभी आप लोग को स्मूदिंग करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे अभी हम लोग की स्मूदिंग जो थी वो परफेक्ट तरीके से हो चुकी है, बट यहाँ पे हम लोग की जो यहाँ पे कलर ग्रेडिंग थी वो अभी नहीं हुई, उसके बाद गाइज अभी आप लोग को जो फेस पे एडिटिंग थी वो भी सही तरीके से नहीं हुई। तो गाइज अभी आप लोग को फेस की स्मूदिंग के बाद जो एडिटिंग है वो बताने वालों, तो ईपिक ऐप है प्ले स्टोर पर, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे जाके, एंड गाइज ईपिक ऐप में फोटो को शेयर कर लेना, ये काफ़ी अच्छा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज अभी आप लोग को क्या फॉलो करना होगा ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को ध्यान से देख के कुछ इस टाइप से एडिटिंग कर लेना होगा जो मैं फ्रंट पे कर रहा हूँ। तो गाइज अभी आप लोग फोटो में शेयर कर लेना, इस ऐप में फोटो को शेयर कर देना, एंड गाइज अभी आप लोग को यहाँ पे थोड़ा बफिंग ले रहा है तो इसको ले लेने दो, उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कुछ इस टाइप का ऑप्शन। एंड गाइज यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एडजस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है नीचे फिल्टर के आगे, देख सकते हो आप लोग को दिख रहा होगा, एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो, उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग को HSL का एक ऑप्शन दिखेगा, HSL देखो सेकंड वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करो, एंड इसके बाद गाइज यहाँ पे एक लाइट रूम जैसा फंक्शन ओपन हो जाएगा, लाइट रूम जैसा फंक्शन ओपन होगा। तो गाइज इसको कैसे अप्लाई करना है देख सकते हो, मैं वहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ एंड सिखा भी रहा हूँ कैसे आप लोग को अप्लाई करना, तो आप लोग फॉलो
करो इस स्टेप को एंड यहाँ पे कुछ स्टेप से ब्लीडिंग करो अपने फेस के ऊपर। एंड मैं जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिफोर आफ्टर देख सकते हो, फेस पे हम लोग की ब्राइटनेस आ चुकी है, कुछ स्टेप से भी हम लोग का फेस हो चुका है देख सकते हो। इसके बाद गाइज अभी आप लोग को येलो पे क्लिक करना होगा, इसका सेचुरेशन माइनस कर देना होगा एंड गाइज यहाँ पे ह्यू को भी माइनस कर देना होगा। कलर रेंज को छोड़ देते हैं, दोनों को फिर से माइनस करते हैं ग्रीन वाले पे आने के बाद। एंड इसका ल्यूमिनस भी माइनस कर देंगे, मतलब लाइटनेस वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको भी माइनस कर देंगे। एंड यहाँ पे फिर से हम लोग येलो पे आ जाते हैं, येलो का भी हम लोग यहाँ पे ल्यूमिनस जो रहेगा मतलब कलर रेंज रहेगा उसको भी हम लोग माइनस कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, इसके आगे आप लोग को बताते हैं। येलो का हम लोग ने कलर रेंज नहीं माइनस किया, इस वजह से ब्लैक टोन नहीं आया। तो गाइज इसको मैं कर लेता हूँ, दोनों को करूंगा तो गाइज आप लोग का परफेक्ट ब्लैक टोन का एडिटिंग जो रहेगा वो आ जाएगा देख सकते हो। कुछ इस टाइप से हो चुका है बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर, एंड फोटो में काफ़ी ऑसम लुक आ चुका है। तो गाइज आप लोग को इतना फॉलो करके कुछ इस टाइप से एडिटिंग कर लेना होगा। एंड करने के बाद गाइज अभी आप लोग को आगे भी बहुत से स्टेप हैं, उसको ध्यान से देखना। एंड उसके बाद गाइज आप लोग को फोटो में काफ़ी नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो फोटो काफ़ी ऑसम हो चुकी है। एंड इसके बाद गाइज अभी आप लोग को राइट टिक कर देना होगा, राइट टिक करने के बाद फोटो में आप लोग को डिटेल में दिखा देता हूँ। पहले इसको मैं कर लेता हूँ, उसके बाद राइट टिक करूंगा। एंड यहाँ पे लक्स वाला एक ऑप्शन दिख रहा है बिफोर आफ्टर, आप देख ही सकते हो। लक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो इसका, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पॉइंट आप प्लस कर लेना, पॉइंट प्लस करते एच डी आर का लुक आ जाएगा एंड फोटो काफ़ी ऑसम आ जाएगी। एंड यहाँ पे इसके बाद गाइज विंटेज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा लास्ट में, आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइज विंटेज वाले ऑप्शन पर आ जाना, पहले शार्पिंग को प्लस करेंगे उसके बाद विंटेज का एक ऑप्शन है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं विंटेज वाले एक ऑप्शन पे आ चुका हूँ, इसके बाद इसका पॉइंट हम लोग प्लस कर लेते हैं। पॉइंट प्लस करते कुछ इस टाइप से लुक हो जाएगा, डार्क यहाँ पे बैकग्राउंड हो जाएगा, डार्क ब्लैक बैकग्राउंड, मतलब फोटो काफ़ी ऑसम लगती है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। होने के बाद कुछ इस टाइप से एडिटिंग करने के बाद गाइज अभी आप लोग को यहाँ पे पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन दिख रहा है, टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो। टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को हिनेसिस का एक ऑप्शन दिखेगा। तो गाइज हिनेसिस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत बफिंग लेगा, तो इसको बफिंग लेने देना है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप लोग को लोडिंग लेके दे देगा स्मूदिंग और करके। तो गाइज यहाँ पे स्मूदिंग में देख सकते हो, करके दिखा दूँ यहाँ पे स्मूदिंग का ये टूल है हिनेसिस, इसको आप लोग यहाँ पे राइट टिक कर लेना। तो गाइज मैं राइट टिक कर लेता हूँ, आप लोग को भी कर लेना होगा। राइट टिक करने के बाद गाइज अभी आप लोग को बिफोर आफ्टर शो हो रहा होगा। तो उसके बाद गाइज अभी आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग को मेकअप एक पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे आके मेकअप वाला ऑप्शन दिख रहा है तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना होगा। एंड यहाँ पे आप लोग को लिप्स का कलर मिलेगा एंड यहाँ पे आइस का कलर मिलेगा, तो दोनों इसको अप्लाई कर लेना। यहाँ पे लिप्स वाला लास्ट वाला मैं यूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे इसको कुछ टाइप से पॉइंट फुल करूंगा एंड यहाँ पे राइट टिक करूंगा। इसके बाद पहले मैं यहाँ पे कलर अपना आइस का जो कलर रहेगा उसको चेंज कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आइस वाला कलर पे आ जाता हूँ ऑप्शन वाले पे। तो गाइस यहाँ पे आइस वाले को ऑप्शन पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे रेड वाला में जो रहेगा येलो वाले के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे दो तीन बार कर लेता हूँ। दो तीन बार करने के बाद ही आप लोग का यहाँ पे आइस पे कलर आएगा, यहाँ पे आइस पे कलर आने के बाद फोटो काफी ऑसम लगेगी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बिफोर आफ्टर आप शो करके दिखा रहा हूँ। टोन वाले ऑप्शन पे मतलब स्किन वाले पे आएंगे, यहाँ पे कुछ स्टेप से फ्लश करेंगे पॉइंट को एंड यहाँ पे माइनस करेंगे एंड देख सकते हो फोटो में नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग हो चुकी है। तो गाइस ये स्टेप फॉलो करके कुछ स्टेप से एडिटिंग आप लोग कर सकते हो। मैंने पूरा बता दिया कैसे इस टाइप की एडिटिंग करी जाती है एंड यहाँ पे कैसे यहाँ पे कलर एडिटिंग करी जाती है। तो गाइस फॉलो करो स्टेप को एंड यहाँ पे ध्यान से देखो एंड यहाँ पे कुछ स्टेप से एडिटिंग कर सकते हो मेरे वीडियो से आप लोग फॉलो करके एंड फोटो को सेव करके इंस्टाग्राम पे आप लोग पोस्ट कर सकते हो।